हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे संस्कृत अनुवाद में पार्ट सिक्स में। इसके पहले पांच पार्ट में संस्कृत अनुवाद बताया गया है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको पार्ट वन से देखिएगा तो आपको बिल्कुल अनुवाद संस्कृत में समझ में आ जाएगा और अनुवाद बनाने में बिल्कुल डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है यदि अनुवाद में रहा रही रहे इत्यादि रहे तो अनुवाद क्रमशः इस प्रकार चलता है। तो यहाँ पर ध्यान ही देना है कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं, ता है ती है वाला पढ़े हैं, उसके बाद था ता था ती थी वाला पढ़ लिए हैं, या ई ए वाला पढ़ लिए हैं, चाहिए वाला पढ़ लिए हैं, गा के भी वाला पढ़ लिए हैं और है हूँ हो वाला पढ़ लिए हैं, जो अस्ति सत संति आसित अस्ताम आसन जो होता था रूप वो सब पढ़ लिए हैं। तो पांच भाग में आप लोग ये चीज पढ़ लिए हैं। एक और चीज पढ़े हैं लोट लकार का जो आगे सूचक वाक्य होता है, जैसे घर जाओ एक गिलास पानी लाओ, तो इस प्रकार के पढ़ लिए हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हम यही सलाह देंगे कि आप पार्ट वन से देखना स्टार्ट कीजिए और बारीकी से देखिए और एक एक बात पर ध्यान देकर देखिए। और मैं बिल्कुल श्योर कह रहा हूं कि आप अनुवाद संस्कृत में बनाने लग जाएंगे, क्योंकि मैट्रिक में ये बहुत ही संस्कृत का नंबर अहम भूमिका निभाती है और संस्कृत व्याकरण में बहुत चीज बताया जाएगा आगे भी। तो इसमें इस अनुवाद के लिए आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इसका रूप कैसे चलता है वो चीज बता रहे हैं। मान लीजिए पुलिंग, यहां पर क्रमशः लिखने का मतलब कुछ बात है तभी क्रमशः लिखा हुआ है। तो पुलिंग रहेगा तो रूप किस प्रकार चलेगा, ये जो हम लिख रहे हैं एक वचन द्विवचन, एक वचन द्विवचन और ये बहुवचन, ठीक है। यहां पर किसी भी पुरुष में वही चीज लगता है, यहां पर ध्यान देना है इसमें पुरुष का अलग अलग नहीं होता है लेकिन वचन में होता है एक द्वि और बहु। तो एक वचन में होता है अन अंत अंत, ठीक है। अगर मान लीजिए कि स्त्रीलिंग के लिए है तो ये रूप कैसे चलता है ये बात ध्यान में रखिएगा। एक वचन यहां पर हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे तो ये होता है अंति अंतय अंतय, ठीक है। उसके बाद एक और चीज हो जाता है जिससे नपुंसक के लिए क्या हो जाएगा, जिसे मान लीजिए कि रहेगा वर्षा हो रही है तो कैसे बनाएंगे, ये नपुंसक पर ही चलता है तो हो जाएगा ता ती और यहां पर अंति हो जाता है दीर्घकार से, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अंति इसको भी पढ़ेंगे और नहीं है सिर्फ यही चीज लिखना ही है। तो इस चीज को एक वचन द्विवचन और बहुवचन में हो गया, ये एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ठीक है। इस पर उदाहरण कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए है कि मैं घर जा रहा हूं, तो देखिए यहां पर मैं घर जा रहा हूं कैसे बनेगा, तो मैं का क्या हो जाएगा अहम, रूपचर नियम होता है, रूपचर नियम के अनुसार यहां पर मैं का हो जाएगा अहम, तो घर का हो जाता है गृहम और जाना का हो जाएगा गच्छ, क्योंकि यहां पर मूल शब्द पर ही चलेगा, मूल शब्द हो जाता है गच्छ,
और इसका मूल धातु होता है गम। आप लोगों को बताए हैं पहले मूल धातु, मूल शब्द और अर्थ, गम गज जाना, इस प्रकार से हम पहले बताए हैं, तो उसको जरूर देख लेना चाहिए या देखे होंगे तो या आगे देखिए। तो गच हो जाएगा। अब इसमें नियम कौन लगेगा ये ध्यान देना है। तो सिर्फ आपको यहां पुरुष नहीं देखना है, देखना है कि कौन वचन में है। तो मैं कौन वचन में होता है, एक वचन। तो एक वचन में हम सिर्फ देख लेंगे भाई पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो मैं घर जा रहा हूं तो पुलिंग है, एक पुरुष है तो पुरुष, पुरुष के लिए क्या हो जाएगा या पुलिंग के लिए, यहां पर देखिए अन हो जाएगा एक वचन में, और एक वचन नहीं है तो अन लगा देंगे, और तो लिखना नहीं है तो न हलत लिख देंगे। न हलत लिखने के बाद यहां पर एक और काम है, क्योंकि ये जो नियम लगा अन, ये नियम सिर्फ रहा रही रहे के लिए लगा, हैं के लिए नहीं लगा या हूं के लिए नहीं लगा, हूं का इसमें अलग लिखाएगा। तो यहां पर इसके पिछले वाले वीडियो पार्ट फाइव में हम बताए हैं कि हूं का होता क्या है, तो उसका हम रूप चलाए थे हय हूं हो रहे। तो अष्टिशत संति अशीत सत अश्मि अश्व अश्म, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये कहां होता है आपको बता देते हैं। मान लीजिए अष्टिशत संति अशीत सत अश्मि स्व स्म, तो यहां पर जो है यहां पर होगा, क्योंकि रूपचर नियम में होता है यही पर मय होता है। कैसे होता है, सह तौ ते त्वम जुयाम जुयम अहम अवाम वयम, तो अहम यहां पर आया ना, तो अहम आया तो यहां वाला रूप लगेगा। तो यहां पर क्या होता था, अस्मि, यानी कि हूं का यहां पर क्या हो जाएगा, अस्मि। तो हम यहां पर अस्मि लिख देंगे और ये हमारा जो है संस्कृत मनुवाद जो बनकर तैयार हो गया। एक दो और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए है कि वह पढ़ रही थी, तो वह का तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है तो वह का हो जाएगा सा, सा के बाद पढ़ना के हो जाएगा पढ़। अब देखेंगे कि वह कितने वचन में है, तो वह तो भाई एक वचन में है, तो एक वचन में स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है, अंति, तो अंति होता है, तो यहां पर हो जाएगा पठंती, ठीक है। उसके बाद रही के तो हो गया, पढ़ रही के हो गया, अब यहां पर थी के लिखना है, तो था थे थी के लिए हम बताए थे लंग लकार में क्या होता है, आसित, तो यहां पर हो जाएगा आसित हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, वे लोग जा रहे थे, वे लोग जा रहे थे क्या हो जाएगा, वे का, वे लोग का हो जाएगा ते, जाना का हो जाएगा गच, और ये बहुवचन में है वे लोग, तो बहुवचन में क्या है अंत, तो हो जाएगा गच्छन्त। गच्छन्त लिखने के बाद थे के लिखना है, तो थे के क्या होगा, थे का हो जाएगा, आप लोग समझ रहे हैं कि क्या होता है बहुवचन में, सह तौ ते तो आसित अस्ताम आसन, तो यहां पर वे लोग के थे का क्या हो जाएगा, आसन हो गया। अब एक देख लेते हैं नपुंसक पर, मान लीजिए हो रहा है कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, देख लीजिए क्या होगा, वर्षा का होता है बरखा, बरखा होता है होना के भू धातु का होता है रूप, तो भू भाव होना होता है, तो होना का हो जाएगा भाव, और ये है एक वचन में ही होता है बरखा, क्योंकि आप लोग जानते हैं इंग्लिश में इसका अनुवाद कैसे बनता है, इट इज रेनिंग, तो अंग्रेजी में अनुवाद उस प्रकार से बनता है, तो इट इज जब इज लगा है तो समझिए एक वचन में लगता है, तो यहाँ पर एक वचन में क्या है, तो नपुंसक ये हो गया बरखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भवत, हलंत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हय के हो जाएगा अस्ति,
ठीक है। तो इस प्रकार से रहा रही वाला बन जाता है। और एक दो एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए है कि तुम लोग कहां पढ़ रहे थे, मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया, तो किस प्रकार से बनेगा? तो तुम लोग के क्या होता है, रूप चर नियम सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है संस्कृत अनुवाद में। तो इसलिए मैं कहूंगा कि रूप चर नियम को याद नहीं होगा तो उसको आराम से याद कर लीजिए, बहुत आसान है। एक बार याद हो गया तो जीवन भर नहीं भूलोगे कि कैसे होता है कभी। तो रूप तुम लोग का क्या हो जाएगा, जुयम होता है, कहां के पुत्र हो जाएगा, पढ़ना के पठ लिख देंगे। अब यहां पर नियम देखेंगे, तुम लोग कहां है बहुवचन में अंत। उसके बाद यहां पर एक जो और चीज देखना है भाई, थे का क्या होगा। तो थे के लिखने के लिए आपको लंग लकार का रूप याद चाहिए। तो लंग लकार का रूप होता है, क्या होता है, आसित आसित, अंगुली पर गिनकर इसको बना सकते हैं। आसित ये जो शुरू वाला हम एक वचन समझ लेते हैं तो हो जाएगा आसित अस्ताम आसन। उसके बाद फिर आसी आस्तव आसन, आसन आसो आसन। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो है, ये जो रूप है, ये कहां होता है जुयम। तो जुयम होता है एक दो तीन चार पांच छह, यहां पर होता है जुयम, क्योंकि ये तुम है, ये तुम दोनों है और ये तुम लोग है। तो तुम लोग के हिसाब से ही लगाना है वहां पर। तो आसी तस्ताम आसन, आसी आस्तव आस्त, तो यहां पर आस्त होता है, तो आराम से हम लिख देंगे आस्त, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, मान लीजिए है कि हम दोनों पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए इस प्रकार का है पढ़ रहे होंगे, तो इसमें क्या होगा, हम दोनों के क्या होता है, हम दोनों के होता है अवाम, पढ़ना के पठ, दोनों है तो बीच वाला होगा, और यहां पर पुलिंग है तो पुलिंग के लिए बीच में अंतव है, तो हो जाएगा पठंतव। तो ये तो हो गया पढ़ रहे के। अब होंगे के क्या होगा, भू धातु का रूप आप बताए थे, अस धातु का जो रूप होता है उस वही चलता है भू धातु में भी, जो लिरिट लकार में चलता है। तो आप लोगों को बताया गया था भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत् भविष्यामि भविष्याव भविष्यामि, तो आप लोगों को बताया गया था। तो यहां पर वही रूप लगेगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों में क्या है, दोनों कहां है, सह दौते त्वम जुयाम जुयम अहम अवाम वयम, अवाम यहां पर होता है यानी बीच में अवाम होता है, तो यहां पर हो जाएगा भविष्यामि भविष्याव भविष्याम, यहां पर क्या हो जाएगा भविष्याव, अंत में होता है भविष्याम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अनुवाद बन जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज संस्कृत अनुवाद का सबसे मुख्य चीज जो होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो होता है रूप चर नियम। तो इस प्रकार से ये अनुवाद बन जाता है। अगर मान लीजिए कि चुका चुकी रहेगा तो किस प्रकार से बनेगा, आप लोगों को अभी इसी पर बना देते हैं। मान लीजिए चुका चुकी रहे तो किस प्रकार से चलेगा अनुवाद, मान लीजिए कहां रहेगा चुका चुकी चुकी, मान लीजिए चुका चुकी इत्यादि रहे तो किस प्रकार से अनुवाद चलता है, तो रूप किस प्रकार से चलता है यहां पर लिख सकते हैं। और ये जो है उसमें सभी लिंगों के लिए चलता है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, सभी लिंगों के लिए एक ही रूप चलता है। तो सभी लिंगों के लिए क्या चलता है आप लोगों को बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए ये चलता है इतवान इतवंत इतवंत, ठीक है, किसी भी लिंग में ये चलता है। तो मान लीजिए यहां पर जैसे यहां पर आधा तो ही होता है, पूरा तो नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं घर जा चुका हूं, ठीक है, मैं घर जा चुका हूं, तो मैं के क्या हो जाएगा, अहम, घर के गृहम, जाना का हो जाएगा गच। और यहां पर नियम देखिए, एक वचन में क्या होता है इतवान, तो यहां पर इतवान होता है तो मैं है, एक वचन में तो है मैं, तो यहां पर गच्छितवान हो जाएगा, हर्षई के लिए हर्षिकार यहां से देंगे हम, तो यहां से देंगे गच्छी हो गया, तो ई हो गया, उसके बाद तवान तो हो गया गच्छितवान, उसके बाद चुका हूं, जा चुका के हो गया। अब आपको लिखना है हूं के, तो हूं के आपको जानते हैं मैं के हिसाब से क्या होता है अस्मित, बनाते बनाते आपको पता चल जाएगा कि किसका क्या होता है। उसके बाद मान लीजिए है कि तुम दोनों भात खा रहे मान लीजिए थे, तो क्या हो जाएगा थे, तो तुम दोनों के क्या होता है, तो यहां पर हो जाएगा तुम दोनों भात खा चुके होगा, क्योंकि चुका चुकी वाला ये अनुवाद है, तो चुके थे होगा, तो जुआम हो गया। और भात का क्या हो जाएगा, ओदनम, ओदनम खाना के। अब यहां पर ध्यान देना कि चुका चुकी चुके है यदि तो हर्षिकार होगा, तो खाना के खाद होता है, तो हम खादी लिख देंगे हर्षिकार से, ठीक है। और उसके बाद हम नियम को लगा देंगे, देखेंगे कहां है भाई, तो दोनों वाला कहां है, तो द्विवचन में दोनों वाला होता है, तो ये लगेगा नियम, तो यहां पर होगा होगा तवंत खादी तवंत हो गया। और उसके बाद थे का क्या होगा, तो तुम दोनों के हिसाब से थे कहां होता है, मान लीजिए यहां पर बीच में हो जाता है, तो बीच में के लिए आप लोग को ये चीज अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक चीज हम बता रहे हैं यहां पर, कम से कम रूपचर तो नियम बता रहे हैं यहां पर। तो यहां पर मान लीजिए रूपचर नियम जो है आप लोग यहां पर लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये हो गया बहुवचन, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में यहां पर हो जाता है, ये हो गया स, तौ, ते, त्वम, जुवाम, जुयम, अहम, अवाम, वयम। अब आप लोग कुछ आसानी हो जाएगा यहां पर, यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, तो अंत हो गया, यहां पर जुआम कहां है, जुआम यहां पर है बीच में, तो बीच वाला नियम लगेगा। और नियम हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, था थे थी वाला जो नियम होता है आसित अस्ताम आसन, आसित अस्ताम आसन, आसी आस्तम, यहां पर आस्तम होगा, यहां पर आस्ताम होता है, यहां पर आस्तम होगा, तो आस्तम यहां पर आराम से लिख दीजिए आस्तम, ठीक है। तो इस प्रकार से यह अनुवाद बन जाता है। मान लीजिए आगे है कि तुम रोटी खा चुकी थी, यहां पर मान लीजिए स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो तुम रोटी खा चुकी थी कैसे बनेगा, तो तुम रोटी खा चुकी थी, देखिए यहां पर हम बना देते हैं, तो आम
रोटी के होता है रोटी का, यहां पर हर्षी का से टी हो जाता है, ये हो जाएगा रोटी का। खाना का चुका है चुकी है, यहां पर तो ध्यान दीजिए तुम, यहां पर तो शुरू में ही होता है, शुरू में ही यहां पर तुम होता है एक वचन में, ये सारे एक वचन में आ जाएंगे ये श्रुक में, ये जो है द्विवचन में आ जाएगा, ये बहुवचन में आ जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, खादी, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए एक वचन में है तो खादी त्वान हो जाएगा, खादी त्वान। उसके बाद क्या हो जाएगा, थी के, तुम के अनुसार थी के लिखना है तो तुम के अनुसार थी के क्या हो जाएगा, आशी सस्ताम आसम आशी, आशी हो जाएगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा दिनिकार से आशी, ठीक। तो इस प्रकार से अनुवाद बन जाता है। कुछ और यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए है कि हम लोग चुके हैं, मान लीजिए है यहां पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग के हो जाएगा बयम, बयम यहां पर देखिए लास्ट में है, खेलना के होता है क्रीडी, तो यहां गृही का से ही होता है, लेकिन ये जो नियम लगता है यहां पर हसीकार लगता है, तो दूसरा का अक्षर जो है हसीकार हो जाएगा क्रीडी। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए लो बोला है यानी बहुवचन में है तो त्वंत हो जाएगा, तब त्वंत लिख दीजिए आराम से, क्रीडी त्वंत, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अभी देख देख कर बनाइए और बनाते बनाते आप सीख जाइएगा कि क्या होता है। तो बात उसके बाद जो है हैं के लिखना है, तो हैं के हम लोग के अनुसार क्या होता है, लास्ट वाला चीज होता है, क्या होता है, बस वहां हो गया, आप लोग देख लीजिएगा निकाल कर। तो इस प्रकार से ये जो है रहा रही वाला बताए, और उसके बाद ये चुका चुकी वाला बताए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से अनुवाद बनाया जा रहा है, और नहीं जल्दी समझ में आ रहा है तो आप लोग एक काम कीजिए कि वीडियो को रोक रोक कर समझना चाहिए, या एक बार में नहीं समझ में आया तो दो बार देखिए, और दो बार में भी नहीं समझ में आया तो तीन बार देखिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताइए, कुछ हम और आसान कर देंगे। तो मैं अब अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए